सीरीज है ए टू जेड पीपीसी रन करने की, और इसपे मैं आपको अपने टेक्निक्स बताऊंगा कि मैंने कैसे टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया, कैसे मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए, और मेरी सेल्स रीच आफ्टर 1 वीक। आई विल ट्राई कि मैं आपको हर वीक जो है वो सेल्स वगैरह जनरेट कर देता हूँ, कितनी सेल्स जनरेट हुई। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास अकाउंट है अभी, इसके बिल्कुल फ्रेश है, और इसके ऊपर कहीं भी एक कह लेंगे पैनी की पीपीसी रन नहीं हुई। तो ये हम लोगों ने अभी इसको लॉन्च किया था, बिल्कुल इसको जो है हम लोगों ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो मैं ये चाह रहा था कि अपने स्टूडेंट्स को ए टू जेड काम करके दिखाऊं, ये एक प्रॉपर सीरीज बनेगी। तो काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा विद द नेम ऑफ अमेजोन पीपीसी लाइव परफॉर्मेंस। तो आफ्टर 1 वीक, एक एक वीक के बाद जो परफॉर्मेंस होगी, पहली सेल कैसे आती है, सेकंड कैसे आती है, सेल्स क्यों नहीं आ रही, ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, तो आई विल ट्राई कि ईच एंड एवरीथिंग आपसे शेयर करूं। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन वीडियोस की प्रॉपर जो सीरीज बनेंगी उनको आप काइंडली वन बाय वन सबको देखें, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें पीपीसी क्या चीज है और इसको इफेक्टिवली कैसे रन कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि जो आप इंटरफेस अभी मेरा देखेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई इसके ऊपर कभी पीपीसी रन नहीं हुई। इवन के तो पीपीसी के लिए जो हमारे पास इंटरफेस है उसमें अगर मुझे वो बिल्कुल जो बिगनर्स के लिए दिखाते हैं कि ये इंटरफेस है ऐसे, वो मुझे शो अप होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने पीपीसी रन करनी है, और आप दोबारा देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई सेल नहीं हुई कि ये प्रोडक्ट हमारी लाइव ही कह रहे हैं कि कल 16 जून को हमने लाइव किया, और आज इसके ऊपर पहली पीपीसी कंपेन चलने लगी है। ऑटो कंपेन से शुरू करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मैनुअल देन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ही कीवर्ड्स ऐड करूंगा माइनस करता रहूंगा, सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हमने पीपीसी जब रन करनी है, तो यहाँ पर मेरे पास सेलर सेंटर है, उसके बैकएंड पे मैं गया और यहाँ पर मैंने टॉप साइड पे लेफ्ट 3 डैशेस पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का टैब आ रहा है। अभी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कंपेन मैनेजर पे जाता हूँ मैं। कंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ये देखिएगा, अब ये क्योंकि बेसिकली मैंने कभी कंपेन रन ही नहीं की भी, तो इस तरह से मुझे इंटरफेस शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन आपको देगा, क्रिएट योर कंपेन पे मैं जा क्लिक करूंगा। बेसिकली ये जो है इंटरफेस मुझे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर कंपेन रन करने लगा। जैसे यहाँ से हमें अलाउ करता है जो इसकी एक हेलिंग की जो इनिशियल प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, तो फिर हम लोग इसके ऊपर आगे प्रोसीड करते हैं। अभी ये चीजें लोड कर रहा है थोड़ी सी। इसमें अगेन दोबारा आपको बताना चाहूँ तो बेसिकली मैं अब एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा। उस सीरीज में ये होगा कि पहले कंपेन कैसे रन की, उसके बाद कॉस स्टार्टिंग में क्या थी, आफ्टर 1 वीक क्या कॉस आई, आफ्टर 2 वीक्स कॉस कैसे कम हुई ज्यादा हुई, उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन कंपेन कैसी चल रही है, ऑप्टिमाइजेशन ईच एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई कि मैं मेक श्योर करूं कि मैं ऑप्टिमाइजेशन सारी आपको करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी जो इश्यूज फेस करते हैं आप लोग कि मुझे बीपीसी कंपेन नहीं रन करने आ रही, मसले आ रहे हैं, वो आप लोगों को ऐसे ना फेस करने पड़े। तो आप ये देखिएगा मुझे इस इंटरफेस पे ले आया, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट का जो कंपेन है सबसे पहले कंपेन का नाम रखूंगा ऑटो प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने इस पर प्लेसमेंट लगानी है आज। और जून 17 कैसे ऑलरेडी पता होगा कि जून 17 को रन किया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि हमने फ्रेश जो है ये रन किया कंपेन। उसके बाद हम एड कंपेन पे चले जाते हैं, सॉरी एड प्रोडक्ट पे चले जाते हैं जो हमने प्रोडक्ट एड करनी है। तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपने कौन सी टारगेटिंग करनी है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है, मैनुअल करनी है। तो डेफिनेटली सी बात है मैंने ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये मुझे कह रहे हैं कि आपकी डिफॉल्ट बिड क्या है, डिफॉल्ट बिड क्या चीज होती है, आप डिफॉल्ट बिड बाई डिफॉल्ट कितना पे कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंपेन। अच्छा, अब जरा इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको ऐसे देता हूँ कि डेली बजट एंड डिफॉल्ट बिड में डिफरेंस। डेली बजट क्या होता है आपका कि आप एक दिन में कितने पैसे लगा सकते हैं, कितनी स्पेंडिंग कर सकते हैं, वो आपका डेली बजट हो गया। और डिफॉल्ट बिड की आप एक चीज के लिए, एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कितना पे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। आपने इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि आपके फादर आपको 50,000 देते हैं कि बेटा 50,000 की ना एक शॉपिंग कर लें, और अब आप कहते हैं यार 50,000 तो मेरा डेली बजट हो गया, ये मेरा एक बजट है। अब मैंने जो डिफॉल्ट बिड मैंने जो मैंने कहने कम से कम यूज करना है, मैंने इस तरह से करना है कि मैंने 2,000 से ऊपर की कोई चीज नहीं लेनी, या
2000 से नीचे कोई चीज बाय नहीं करनी। तो 2000 क्या होगा आपका, डिफॉल्ट बिड हो जाएगी। तो डिफॉल्ट बिड मैं यहाँ पर एक सेट करूंगा, क्योंकि बेसिकली मुझे एक सेट करने की रीजन यहाँ पर ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एसिन और कीवर्ड्स दोनों आ जाए इसके अंदर। बेसिकली एसिन थोड़ा सस्ता होता है, एसिन टारगेटिंग भी ऑटो कम्पेन है, ये आपसे पूछे बगैर एसिन या फिर कीवर्ड टारगेटिंग दोनों कर लेगी। तो बेसिकली एसिन टारगेटिंग थोड़ी लेस एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए जो है मैंने 0.68 पर टोटली फाइन, लेकिन मैंने कीवर्ड टारगेटिंग भी करनी है तो उसके लिए मैंने कहा कि इसको $1 तक ले जाओ। ठीक हो गया, कीवर्ड टारगेटिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, सेट बिड्स पर टारगेटिंग ग्रुप, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं टारगेटिंग ग्रुप को। ये देखिएगा आप क्लोज मैच को, मैं बेसिकली क्लोज मैच क्या होता है, जो एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट के रेलेवेंट जा रहा होता है प्रोडक्ट्स को कहते हैं, ये बिल्कुल क्लोज मैच है। जैसे कि मेरा जो है नाइट लाइट प्रोजेक्टर है, तो जो कस्टमर नाइट लाइट प्रोजेक्टर विद द सेम स्पेलिंग शो करेगा तो लिखेगा तो मुझे उसको मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। इसके बाद लूज मैच है, लूज मैच क्या करता है, लूज मैच बेसिकली कहता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो नाइट लाइट प्रोजेक्टर है, तो ये किस कैटेगरी में आ रही है, ये म्यूजिक की कैटेगरी में भी आती है, ये होम डेकोर में भी आती है, तो कोई भी कस्टमर होम डेकोर भी लिखेगा तो उसको मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी, कोई लाइट भी लिख देगा उसको भी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। अब कहाँ पे शो होगी, दैट्स एन अनदर टॉपिक कि आप कितना पे करेंगे, जितना पे करते हैं उतना ज्यादा आपको ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो अप हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेट्स, मेरी प्रोडक्ट नाइट लाइट प्रोजेक्टर है, इसका कोई भी अल्टरनेट होगा जो कि लाइट वगैरह ब्लिंक करवाता होगा, म्यूजिक क्रिएट करता होगा, उसको कोई बंदा वहां पर उस प्रोडक्ट को भी लिखेगा तो मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। सिंपल आप ऐसे ले लें कि आपकी प्रोडक्ट है आई सेट ग्लासेस, और किसी बंदे ने लिख दिया, आपने सब्स्टिट्यूट में ये कीवर्ड खरीद लिया, तो कोई बंदा भी अगर यहाँ पर लिख देता है लेंस, क्योंकि अगर आपको ग्लासेस नहीं तो आपको लेंस पहनने पड़ेंगे, तो लेंस वाले को भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा, तो सब्स्टिट्यूट होता है। इसका मतलब कह लेंगे अल्टरनेट उत्पादिल वो चीज, और कंप्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। कंप्लीट करने वाला मींस के लेंस को उसका लिक्विड कंप्लीट कर रहा है, जो आईसेट के लेंस होते हैं, और पोर्ट को मार्कर कंप्लीट कर रहा है। तो मेरी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि मुझे कंप्लीमेंट को करना पड़े, सब्स्टिट्यूट करना पड़े, तो मैं सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट को करके बंद करके दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा काइंडली, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, जो मैं चीज करता हूँ मैं आपको वो लाइव यूट्यूब पे करके दिखा रहा हूँ, राइट? तो ये वो चीजें जिससे मैं करके कामयाब हो रहा हूँ। इफ यू विल इंप्लीमेंट दोस थिंग्स, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी, हाँ जी ये चीजें बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने मजीद क्लोज मैच, लूज मैच या फिर ऑटोमेटिक कंपेन को समझना है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूं, जिसमें आप लोगों को मेरी वो वाली वीडियोस भी मिल जाएं जो बिगिनर्स हैं, पहले वो वीडियो देखें कि व्हाट इज क्लोज मैच, व्हाट इज लूज मैच, व्हाट इज ऑटो कंपेन। और एक और वीडियो का लिंक मैं ऐड करूंगा इसमें, इंट्रोडक्शन टू पीपीसी। तो काइंडली मेक श्योर करें फॉर बिगनर्स कि पहले आप वो दो वीडियोस देख रहे हैं, देन आप इस वीडियो के अंदर आए, डेट विल हेल्प यू। और जो वो बच्चे जो थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं, जो क्लाइंट मिल चुका है, दे आर नॉट मैनेजिंग देयर एकॉर्ड्स, तो फिर उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखें। आगे हम स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पर आगे कि आप कंपेन सेटिंग बिट्स, लाइक आप जब कंपेन को सेट कर रहे हैं टेक्निक्स कौन सी यूज करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ द प्रीवियस वीडियोस, मैं यहाँ पर अप एंड डाउन यूज करता हूँ, लेकिन आपको समझा देता हूँ डाउन ओनली क्या चीज है। डाउन ओनली थोड़ी सी पैसिव टेक्निक है। पैसिव टेक्निक में क्या होगा कि आप लोग डाउन ओनली में ये होता है, इसको आप समझिए कि अमेजोन कह रहा है मैंने $1 दे दिया आपको बाई डिफॉल्ट बिड, तो अब कोई कीवर्ड $1 से ऊपर जाएगा तो मुझे शो नहीं करेगा, कोई कीवर्ड जिसकी वर्थ 1.2, 1.3, $1.4 होगी वो मुझे शो ही नहीं करेगा वहां पर। तो डाउन ओनली का मतलब है कि मुझे काइंडली जो मैंने बिड दे दी है उससे नीचे नीचे शो कीजिएगा, उससे ऊपर शो ना कीजिएगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव टेक्निक और डाउन ओनली टेक्निक, ठीक है? इसको भी मैं दोबारा आपको बताना चाहूँ, इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ इन द प्रीवियस वीडियोस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। सेकंड आपकी आगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन क्या करती है, रियल टाइम में आपके बिड को 100 से मल्टीप्लाई कर देती है, यानी कि $1 बन जाएगा $2। अगर मुझे लगता है कहीं पे मेरी जो है वो कंपेन पे मुझे एक कीवर्ड के ऊपर सेल मिल सकती है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट बिड तो $1 दिया, मैं अमेजोन को कहूंगा भाईजान आई एम गिविंग यू एन ओपन हैंड कि आप 1 को 2 कर लो अपनी मर्जी से, तो क्या होगा 1 को 2 कर देगा, अगर कहीं भी कीवर्ड जाके क्लोज होगा 1.1, 1.3, 1.4 के अंदर तो मुझे वो कीवर्ड मिल जाएगा। तो अप एंड डाउन इज एन एग्रेसिव टेक्निक, और हमेशा मैं अप एंड डाउन पे ही काम करता हूँ। एंड देन फिक्स बिड, फिक्स बिड क्या चीज होती है कि आप
कि फिक्स आपने $1 लिखा तो $1 की कीवर्ड ही मिलना चाहिए। तो फिक्स बिड इज नॉट रिकमेंडेड, आप कभी यूज नहीं करें। अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि आपको सेल ज्यादा चाहिए, बट आई विल रिकमेंड कि आप अप एंड डाउन पे जाए। अच्छा, इसके बाद जो मैं टेक्निक यूज करने जा रहा हूँ वो है प्लेसमेंट टेक्निक। प्लेसमेंट टेक्निक पे मुझे कीवर्ड चाहिए अपने टॉप पर, कीवर्ड मुझे टॉप पर चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर इसको मैं कहूंगा कि मैं आपको 50% ज्यादा पे कर दूंगा, काइंडली मुझे आप कीवर्ड पर क्लिक दे दें। अगर आप ये करना चाह रहे हैं, आप इसको डाउन ओनली भी कर सकते हैं। डाउन ओनली करने के बाद अगर आप प्लेसमेंट की टेक्निक यूज करना चाह रहे हैं, इसको 100% कर दें, तो डाउन ओनली इसको $2 पर ले जाए, या आप इसको 65% दे दें। तो अब आपको जो है वो एक कीवर्ड पड़ेगा 1.65 का, और आप जो है इसके ऊपर अपनी टॉप पर शो हो जाएंगे। इसको अब मैं यहाँ पे करने के बाद डेली बजट दूंगा। डेली बजट आपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं, क्लाइंट से डिस्कस करें कि डेली बजट कौन सा है, आप कितना देना चाह रहे हैं। आप तो डेली बजट को मैंने यहाँ पर बहुत छोटी सी कंपनी चला के $1,000। अच्छा, आप वो कह रहे थे कि आप अमेरिका में काम करना चाह रहे हैं, मैक्सिको में। मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं जरूरत, आप रहने दें। मेरा जो $10 का $10 का कंज्यूमर है कनाडा की मार्केट में, और यहाँ पर मैं पेन को लॉन्च करूँ, टोटली किसी कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। और अब वो कह रहे थे कि आपकी कंपेन जो है वो लॉन्च हो गई है, इसके ऊपर मैंने, वो कह रहा है कि क्लोज मैच और क्लोज मैच दोनों पर टारगेट किया है। मैंने कोई भी कीवर्ड नेगेटिव नहीं किया। नेगेटिव कैसे करते हैं वो अलहदा बात है, बिल्कुल अभी बेसिक आपको लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोग उससे अपनी चीजों को करके देख सकें। तो ये एक छोटा सा वे है आपने कैसे अपनी जो है वो कंपेन को जो है वो रन करना है इफेक्टिव वे में। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कंपेन रन करेंगे। आफ्टर 2 to 3 days आई विल सी मेरी कंपेन पे कीवर्ड्स कहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, किधर रैंकिंग हो रही है, और उससे फिर हमारी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, और हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोग अपनी रैंकिंग किस तरह से कर रहे हैं, कितने इफेक्टिव है इसके अंदर, हमें क्या चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को उस टाइम पे आइडिया हो जाएगा। तो अब मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑटो के ऊपर किया है। तो ऑटो के ऊपर मैंने अभी कोई भी, आप कह रहे हैं, कीवर्ड वगैरह यूज नहीं किया। ऑटो के ऊपर मैंने पीपीसी रन किया है, तो कोई ऐसा कीवर्ड यूज नहीं किया। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर देख नहीं सकता कि अमेज़न ने मुझे क्या रैंक दी है, लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू फर्स्ट कि मेरी रैंकिंग क्या आई है, मैं किस रैंक पे खड़ा हूँ। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।